नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिमुखी मोबाइल की दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप अपनी नई दुकान खोलने जा रहे हैं या आप अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं या फिर किसी कारण से आपकी अपनी दुकान बढ़िया नहीं चल पा रही है, आपके अपने खर्चे पूरे नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब अपने काम को अपने कारोबार को शुरू करता है उसके हौसले बहुत बुलंद होते हैं और हर एक व्यक्ति अपने पास से भी पैसे लगाता है, साथ में अपने सर्कल से भी पैसे अरेंज करके अपने कारोबार में पैसे लगाता है और इसी के साथ साथ समय के अनुसार बैंक लोन भी जरूर लेता है, क्योंकि उसके अपने हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन जब उसका अपना काम ठीक नहीं चल पाता है, बढ़िया नहीं चल पाता है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, उस समय में उस व्यक्ति के सारे सपने टूट जाते हैं। अकेले उस व्यक्ति के सपने नहीं टूटते, पूरे परिवार के भी सपने टूट जाते हैं। ऐसे क्या कारण बनते हैं जिसकी वजह से उसका अपना काम, उसका अपना कारोबार फेल हुआ या फिर काम बढ़िया नहीं चल पाया, ऐसे क्या कारण बने? आज मैं आपको वही सब बातें बताना चाहूँगा। आप अपनी दुकान नहीं बनाने जा रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी नई दुकान बनाता है या उसकी अपनी जगह भी अपनी है और दुकान भी अपनी है, सिर्फ उसको अपने यहाँ फिटिंग में और माल में लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है और दुकान जब व्यक्ति किराए पे लेता है तो उसका अपना पहले दिन से ही किराया शुरू हो जाता है, खर्चा शुरू हो जाता है और जब काम अच्छा नहीं चलता तब तो हिम्मत बिल्कुल ही टूट जाती है। ऐसे क्या क्या कारण बनते हैं आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपकी अपनी दुकान का फर्श लेवल बाहर रोड के फर्श लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नीचे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आप अपनी दुकान के अंदर फिटिंग किस तरीके से करेंगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक और ऐसे ही साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए कंप्लीट साउथ वेस्ट तक, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बीच में यहां से अंदर आने का रास्ता बनाना है। फ्रंट में आप अपने यहां पे ग्लास लगाते हैं तो ग्लास लगाएं, ग्लास लगा के भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, वरना खाली ग्लास लगा के जो आपके अपने बैनर्स आते हैं, स्टिकर्स आते हैं, वो सारे के सारे ग्लास के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। आप अपने यहाँ पे काउंटर की सेटिंग किस तरीके से करेंगे, एक काउंटर आपका अपना ये बन जाता है, दूसरा काउंटर आपका अपना ये बन जाता है। ओनर को इस एरिया में बैठना है, कहाँ पर, साउथ साउथ वेस्ट में। यहाँ आपका अपना स्टाफ आ जाएगा, ओनर तो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एंटर करने के बाद यहीं से आपने, आपके स्टाफ ने और कस्टमर ने एंटर करना है और अपने काउंटर पर जाने के लिए जो रास्ता बनाना है वो यहाँ से बनाना है या फिर यहाँ से बनाना है। आप कस्टमर को स्टूल देना चाहते हैं स्टूल दीजिए और स्टैंडिंग पोजीशन में रखना चाहें तो स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप अपने कस्टमर को रख सकते हैं, वो आपकी अपनी सुविधा के अनुसार है। आप अपने यहाँ पे माल रखने का जो सिस्टम है वो किस तरीके से करना है, कंप्लीट साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक लगभग नीचे 2.5 से 3 फुट कैबिनेट बनेगी, अलमारी बनेगी, उसके बाद उसके ऊपर डिस्प्ले आ जाएगी। ऐसे ही ईस्ट में आपकी अपनी नीचे से ऊपर तक डिस्प्ले बनेगी, नीचे आप लाइट वेट वर्क की स्टोरेज कर सकते हो लेकिन हैवी नहीं करनी, अपने आप में मोबाइल का वर्क है वो अपने आप में ज़्यादा भारी ज़्यादा वजनदार नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपने ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर इस वाले हिस्से में कभी भी कोई भी स्टोरेज नहीं करनी है, ओनली डिस्प्ले रहेगी। इसमें आप स्टोरेज भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अधिकतर मोबाइल की दुकानों में एक चीज़ और देखिए, हर एक मोबाइल वाला अपने यहाँ पे कोई ना कोई तिजोरी भी लगा लेता है। किस तरीके की तिजोरी, क्योंकि मोबाइल सस्ते नहीं आते हैं और बहुत सारे मोबाइल्स आते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है,
अपनी दुकान के अंदर आपने यदि तिजोरी लगानी है तो आप अपने यहाँ पर साउथ साउथ ईस्ट के हिस्से में नॉर्थ की ओर ओपन होती हुई यहाँ पे आप अपनी तिजोरी लगा सकते हैं। वो इसलिए जब शाम के समय आप जाते हैं अपनी दुकान को मंगल करके, उससे पहले सारा अपना जो मोबाइल कॉस्टली हैं वो सारे मोबाइल से आप अपनी तिजोरी के अंदर रख के जाते हैं। आपके यहाँ ऐसा सिस्टम हो तो आप तिजोरी यहाँ लगा सकते हैं, और ऐसा सिस्टम नहीं है तो आपको तिजोरी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके यहाँ पे एक कंपनी का मोबाइल बिकता है, सिर्फ एक ब्रांड है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जब आपके यहाँ मल्टी हर एक कंपनी का मोबाइल सेल किया जाता है, हर एक कंपनी की आपने एजेंसी ले रखी है या आपने एक कंपनी की ले रखी है, जब आपने हर एक कंपनी की एजेंसी ले रखी है उस समय में हर एक कंपनी के अपना बोर्ड का कलर यानी कि लोगो का कलर अलग अलग है, उनकी अपनी कलर स्कीम हर एक कंपनी की अलग अलग है, उसमें आपको जरूर ध्यान रखना है। आपके यहाँ पे जो रेड कलर ऑरेंज कलर की कंपनी है, ब्रांड आता है या स्टिकर्स आते हैं, बोर्ड आते हैं, वो सारे के सारे आपने साउथ वॉल पे लगाने हैं रेड कलर से रिलेटेड। जो ऑफ वाइट कलर है वो आप ईस्ट में भी लगा सकते हैं, साउथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर आपने सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में लगाना है, साउथ में ब्लू कलर बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं लगाना। हाँ, ब्लू कलर के लिए आप नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक इस हिस्से में भी ब्लू कलर आप लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया ब्लू कलर नॉर्थ वॉल का है, नॉर्थ जोन का है। आपके यहाँ पे काउंटर्स के अंदर नीचे स्टोरेज आ जाती है, उसके बाद उसके ऊपर मोबाइल्स की डिस्प्ले आ जाती है। ऐसे ही इस वाले काउंटर में कंप्लीट डिस्प्ले आ जाती है, नीचे स्टोरेज हो जाती है। ओनर को अपने यहाँ पे कैश बॉक्स कहाँ बनाना है, कैश बॉक्स आपने ओनर की सीटिंग के सामने स्लाइटली राइट की ओर, आप एक कैश बॉक्स और बना सकते हैं जो आपके अपने पीठ पीछे साउथ वॉल पे आएगा, नॉर्थ की ओर ओपन होने वाला है, या फिर आप अपने यहाँ पे काउंटर एल पोजीशन में बना लें, आप यहाँ भी कैश बॉक्स बना सकते हैं जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगा। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, रूटीन में ये इस्तेमाल करते रहें। आपको अपने यहाँ पे मंदिर कहाँ बनाना है, आप मंदिर अपना ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में बनाएं, और इन्वर्टर को भी आप अपना इसी जोन में रखें। पीने का पानी आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में, इस वाले हिस्से में आपने पीने का पानी रखना है। आप अपने यहाँ पर ओनर साउथ वेस्ट में बैठता है, मंदिर यहाँ जाता है, इन्वर्टर यहाँ जाता है, पानी यहाँ आ जाता है, और रोड लेवल से आपकी अपनी दुकान ऊंची हो जाती है, तो मैं आपको कहूँगा आपकी दुकान बढ़िया चलेगी। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं या रेनोवेशन करने जा रहे हैं, तब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उस समय में आप अपनी दुकान में फर्श की ढलान यानी कि स्लोप किधर की ओर करना है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। यदि आप फर्श की ढलान कर लेते हैं तब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपकी अपनी मार्केट के अंदर आज आपकी जिस भी पोजीशन में दुकान चल रही है ये आप जानते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी पोजीशन आपकी अपनी दुकान के अंदर कस्टमर की सेल की प्रॉफिट की जो पोजीशन है सबसे लोएस्ट है। आप फर्श की ढलान कर लेते हैं, साथ में ये पांच सात चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आप पहली और दूसरी पोजीशन में आप अपनी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। रिटेल के साथ साथ कुछ समय बाद आपका अपना होलसेल का भी काम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना अनुभव कहता है। आप नोटिस करें आपकी अपनी मार्केट में आपकी अपनी दुकान से लेफ्ट में भी और राइट में भी 5-7-10 दुकानें लेफ्ट की, 5-7-10 दुकानें राइट की उठा के चेक करें। जिनके यहाँ सेटअप इस तरीके से होगा उनकी दुकान हमेशा ही बढ़िया चलती हुई मिलेगी। आपको अपने यहाँ पर फ्रंट में भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी
रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर नहीं लगाना है, चाहे वो शटर का कलर हो, चाहे स्टोन का कलर हो, चाहे बोर्ड का कलर हो। आपको हमेशा ही ग्रे कलर या वाइट कलर का ही स्टोन लगाना है, कलर करना है, या फिर ब्लू कलर भी आप कर सकते हैं। बोर्ड में भी यही कलर आएंगे, कौन से तीन, एक तो ब्लू कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर, ग्रे कलर। आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी दुकान का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी अपनी दुकान बहुत 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 बढ़िया चलेगी। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, और साथ में फादर के साथ प्रैक्टिकल रह के इस कॉन्सेप्ट को सीखने का मौका मिला। हमारे फादर ने इस पुस्तक को छुपवा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया। हमारी अपनी भी सिर्फ अभी यही एक इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाएं। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति मेरे से सलाह लेना चाहते हैं, या वीडियो बनवाना चाहते हैं, या आप अपनी किसी भी साइट का लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट भी आप बनवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।